नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी घटनाचक 2022 के अंतर्गत जो है इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं जिनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारत के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंतर्गत पहले नोट्स दिए गए हैं, तो ये नोट्स देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, NCR के अंतर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले, उत्तर प्रदेश के उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले तथा राजस्थान के उपक्षेत्र के तहत अलवर और भरतपुर। राजस्थान के दो जिले हैं, अलवर और भरतपुर शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से क्रम से जो राज्य हैं बड़े राज्य वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ये 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो नगर है वह 23:25 उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात कुल 5 राज्यों से लगती है। यदि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगेगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ की सीमा तेलंगाना की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से टच करती है। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों से लगी हुई है कर्नाटक की सीमा। ठीक, केरल की सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है और पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश को भी देखा जाएगा तो 3। ठीक है, तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से स्पर्श करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। असम की राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य जिसका किसी जो है सागर से कोई संबंध नहीं है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर कुल भूमि का 1,843 वर्ग क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है।
मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों से सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ है। और यहीं पे जो है लोकटक पास ही जो है लोकटक झील में ही मणिपुर में है, जहाँ पे जो है डांसिंग डियर पाया जाता है लोकटक में ही। फुमडीज विलुप्त प्राय हरण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास है, संगाई का, इसी को डांसिंग डियर कहा जाता है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। मलनाड कर्नाटक की एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊँचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश को कुल्लूर की खान में ही से ही विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कुल्लूर खान से मिला था कोहनूर, इसलिए इसको भारत का कोहनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से यह 631 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था लातूर में। इस पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम है भारत में है, और यह है जो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है? तो पाट भूमि जो है बी ऑप्शन, झारखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊँचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? तो झुमरी तिलैया जो है झारखंड में है, पीयूष भारती पे ये फरमाइश करते हैं बहुत ज़्यादा, तो झारखंड में झुमरू तिलैया। झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर हम लोग देखें आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर के खान से विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहनूर कहा जाता है। मणिपुर का अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का लगभग 92% हम लोग देखे थे जो है पर्वतीय क्षेत्र है मणिपुर का। मणिपुर की कुल भूमि का लगभग 1843 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि और पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन पर फुमडी कहा जाता है, जो तैरने वाले झील पे बने रहते हैं, तैरते रहते हैं।
इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलोर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो सिलिकॉन वैली जो है बंगलोर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें दिया औरंगाबाद आंध्र प्रदेश दिया, तो ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है, इसलिए गलत हो जाएगा। और पालनपुर गुजरात में सही है। हुबली जो है दिया है महाराष्ट्र में, गलत है। गुंटूर उड़ीसा में दिया है, गलत है। देख लेते हैं, औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक में है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिलान कौन सुमिलित नहीं है बताना है। तो छत्तीसगढ़ मैदान सही है। छोटा नागपुर पठार झारखंड सही है। महाराष्ट्र विश्व छाया प्रदेश है, सही है। आंध्र प्रदेश मलनाड है, मलनाड जो है आंध्र प्रदेश मलनाड के कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में विश्व छाया प्रदेश है। हम लोग देखे थे विश्व छाया प्रदेश क्या कहते हैं, ये जो है पश्चिमी घाट है और इसके इधर वर्षा होती है और इधर पे आके पौने शुष्क हो जाती है और ये क्षेत्र जो है वर्षा यहाँ पे कम प्राप्त होती है, इसलिए इसको विश्व छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, मलनाड जो है आंध्र प्रदेश में ना होके ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। मलनाड कर्नाटक एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र ना कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों के युग में सही सुमेलित है, अतः स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी है। इसमें बताना है निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, और इसमें है खुर्जा दिया है, रोहतक, करनाल, अम्बाला। तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी में देख लीजिए 2011 के समय अपडेट हुआ है क्या क्या है। प्रश्न के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले हैं। और राजस्थान के दो जिले हैं अलवर और भरतपुर। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले के में आता है, अतः स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं था। अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी है, उस समय कोई भी नहीं था जो क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सुमेलित है, हरियाणा का भाग, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें पंजाब का हो जाएगा, नहीं शामिल है, बाकी तीनों जगह का है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों को मिलाने वाले चार नगर शहरों का कौन सा सही क्रम होगा? यदि कोई पश्चिम से पूर्व यात्रा करेगा तो बीकानेर, राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा और नौगांव, ठीक, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल चला जाएगा, असम तक चला जाएगा। पश्चिम से पूर्व के नगर हैं बीकानेर, राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा, बिहार, नौगांव, असम। अगला प्रश्न है, मैप में दिया गया है ए बी सी डी जगह है, हिमाचल प्रदेश के स्थान है, बताना है कौन कौन सा जगह है। तो इसमें देखिए जो है ए है बारामूला, ये बारामूला है जम्मू कश्मीर के स्टेट के बारे में दिया हुआ है, ए बारामूला है। बी जो हो जाएगा श्रीनगर और सी जो है अनंतनाग है और सी जो है अनंतनाग है और डी जो है करगिल है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से कौन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, ठीक, ये सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ये भी गलत है, मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो इसमें केवल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है, अतः कथन ये गलत है। भोपाल जिला का विस्तार जो है, जिला का विस्तार 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में, अतः कथन बी गलत हो जाएगा। अतः इसमें बी गलत है। ये 5-7 राज्यों चुनाव के 5 राज्य हैं और ये सही है, इसमें ये बी हो जाएगा। ठीक, उस प्रश्नकाल में ए सही था, 1993 का प्रश्न था, अब आएगा तो ये जो है बी हो जाएगा। अगला, ठीक, पंजाब राज्य की सीमाएं भी दिया है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं, अतः कथन सी गलत था। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय पार्क है, ये भी गलत था इसी वजह से। और उस समय 1993 में यह 7 राज्यों से टच करता था, लेकिन इसमें वर्तमान परिस्थिति में गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम बताना, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका, इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर बिहार का। ठीक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा इसमें जो है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से छोटा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है 3rd स्थान पे, 240,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र जो है। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 बड़े हैं, उनमें 30% क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है, अवरोही क्रम में कौन सही क्रम है बताना है, तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, फिर हिमाचल और सबसे छोटा उत्तराखंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटता क्रम बताना है भौगोलिक क्षेत्र का, तो सबसे बड़ा हो जाएगा जो है राजस्थान, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हो जाएगा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु चौथे पर। ठीक, सी ऑप्शन सही है। तो ये राजस्थान का है 342,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, महाराष्ट्र का है 307,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक का है 191,791 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का है 130,060 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार उपयुक्त राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश का 240,928, मध्य प्रदेश का 308,252, राजस्थान का 342,239 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का 53,443 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये हो जाएगा बिहार।
ठीक, जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है तीसरे पे है, और क्षेत्रफल में बारहवें स्थान पे है। डी ऑप्शन, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बारहवां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद इस दृष्टि से बिहार का स्थान तेरहवां हो गया है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः बारहवां हो गया है। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर और राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो फिर राज्यों में बारहवें स्थान पर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इसमें कौन कौन से हैं? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक, पंजाब नहीं है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्यों में एक केंद्रशासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। पंजाब राज्य जो है इसकी सीमावर्ती राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, असम में कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा है? तो असम जो है 7 केंद्रशासित राज्यों से घिरा, कोई भी केंद्रशासित प्रदेश नहीं वहाँ पे दिया हुआ है बस, तो जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम। तो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ किसके साथ नहीं होगी? बिहार के साथ नहीं होगी, क्योंकि बिहार के नीचे जो है साउथ में ही झारखंड है, तो इसलिए ये जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? इसे बताना, सब जो है समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बंगलुरु, जोधपुर, दिल्ली और नागपुर, इसमें जो है बंगलुरु सबसे ऊँचाई पर है, इसमें दिया हुआ है ऊँचाई। बंगलुरु है 910 मीटर ऊंचा, दिल्ली है 218 मीटर, जोधपुर है 250 से 300 मीटर, नागपुर है 312 से 41 मीटर। स्पष्ट है कि बंगलुरु सबसे ऊंचाई पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है, बताना है इसमें, कोट नीचे दिया उपयोग करिए। पहला है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, सही है, यहाँ लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक, यहाँ कुल 40 से 60 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, सही है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, इसके चारों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है, यह केवल 40 से 60 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशेष राज्य निम्नलिखित राज्यों निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, ये बताना है कौन सा राज्य है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है, वनों से ढका है, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के आते हैं। ठीक है, तो इसमें असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इसमें है, अरुणाचल प्रदेश का ही जो है 80% के आसपास जो क्षेत्र है वो जो है ढका हुआ है वन से, ये ऑप्शन सही है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वनस्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है, तथा यहाँ कुल लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के लिए रक्षित वन नेटवर्क में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर में नहीं आता। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? पता नहीं 1953 में इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी 1953 में कुरनूल थी, बी ऑप्शन। मद्रास राज्य के अंतर्गत
तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पट्टी श्री रामोलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1993 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनी थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद कर दी गई। पहले कुर्नूल थी, फिर हैदराबाद, और अब जो है उसकी 3 राजधानी हो गई हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसमें जो है सबसे अधिक जिले 75 हैं उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र 52, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में 52 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 38 और उत्तर प्रदेश में 75। ठीक, देश में सर्वाधिक जिले हैं वर्तमान समय में 2021 के अनुसार 275 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसमें जो है कच्छ जिला सबसे बड़ा दिया है, जो निम्न ऑप्शन है, लेह, जैसलमेर, कच्छ, बाड़मेर में कच्छ है। तो जो लेह है 45,100 वर्ग किलोमीटर, कच्छ है 35,674 किलोमीटर, जैसलमेर है 38,401 और बाड़मेर है 28,387। ये बड़े ज़िले हैं सब, जिसमें कच्छ जो है सर्वाधिक बड़ा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिले को जो है 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। सोनभद्र की जो अवस्थिति है उत्तर प्रदेश के कुछ इस तरह से है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, इधर झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, इस तरह से 4 राज्य इसको टच करते हैं। ठीक, सी ऑप्शन सही है। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है, जो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दोनों जो है इसमें सर्वाधिक जो है राज्यों से स्पर्श करती हैं। और इस समय जो है आंध्र प्रदेश जब से तेलंगाना का विभाजन हो गया तो इसकी स्थिति बदल गई है। दिया कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों में उसकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। अब केवल कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा क्या बनाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है तेलंगाना की सीमा बनाती है। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है राजधानी दिया है और राज्य दिया है, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड का कोहिमा सही है। दिया है मणिपुर, मणिपुर का आइजोल नहीं, इम्फाल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, अहमदाबाद से कन्फ्यूज मत होइएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है, तो 29वां राज्य जो है तेलंगाना के रूप में गठन किया गया था, उसमें उसकी राजधानी जो है हैदराबाद है, अब वो जो है 28वां राज्य हो गया है। आंध्र प्रदेश विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश नई राजधानी का निर्माण अमरावती में हो रहा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है इसमें बताना है, राजधानी असम, असम का दिया है शिलोंग, गलत है, मेघालय का शिलोंग होगा, और मेघालय का कोहिमा दिया है जबकि नागालैंड का कोहिमा होता है, और असम का दिया है, और कौन सा सुमेलित है, मिजोरम का दिया आइजोल, यही सुमेलित है, बाकी जो है बाकी गलत है। तो असम का जो है राजधानी दिसपुर है, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है, नागालैंड का कोहिमा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित राजधानी नगर नहीं है? तो सुनियोजित जो है राजधानी नगर नहीं है, जिसे सुनियोजित तरीके से बसाया गया है, तो ये बंगलुरु है, सुनियोजित में नहीं आता, बाकी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर तीनों जो है सुनियोजित नगर है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, इसमें मिलान दिया गया है और राजधानी दी गई है, स्टेट का नाम है असम, असम का हो जाएगा दिसपुर, नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर, और मेघालय का हो जाएगा शिलोंग, मेघालय का शिलोंग, असम दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक, तो इसमें जो है D1 A3 B2 बी ऑप्शन सही है। प्रसंगत राज्यों में उनकी राजधानियां सुमेलित इस प्रकार है, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। फिर स्टेट दिया है और मिलान करना, देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों से बार बार जो है राजधानी के क्वेश्चन आते हैं, तो असम, मिजोरम, गुजरात और मणिपुर, तो असम का जो है जाएगा दिसपुर, ठीक, मिजोरम का हो जाएगा आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो अधिकतम राज्य कौन सीमाओं को छूता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश को टच करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों में एक केंद्रशासित प्रदेश से मिलती है, इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। यदि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्रशासित प्रदेश से मानी जाएंगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों से है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो मध्य प्रदेश को जो है झारखंड नहीं छूती, क्योंकि बीच में जो है छत्तीसगढ़ की अवस्थिति है, मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में, इसलिए नहीं टच करेगी। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, झारखंड। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को छूती है। दोस्तों ये जो है राज्य पे आधारित प्रश्न है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश, इसके नोट्स के बारे में दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश में 26 जनवरी 2022 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के परिणाम स्वरूप अब राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली एवं दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अभी 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का लद्दाख हो गया है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के बाद दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसमें 22 जिले शामिल हैं। 2019 की स्थिति के अनुसार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 4249 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे पे जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान के द्वीप समूहों में महाअंडमानी, ओंगो, जारवा, सेंटिनली नाम की चार निग्रेटो जनजाति पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सम्पेन नामक मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हरियाणा, पंजाब और दोनों राज्य की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एवं जनसंख्या 10.55 लाख है। दादर एवं नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके दो भाग है, एक दादर और दूसरा नागर हवेली। ठीक, दादर और नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह दो भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 2437 है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। इसमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यमन आंध्र प्रदेश में माहे केरल में विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 12.5 लाख। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है की राजधानी है। पुडुचेरी इसकी राजधानी भी है। ठीक, हिस्टोरिकली जो है दमन एवं दीव की क्या स्थिति थी। दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा ठीक गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा एवं दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन और दीव मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है। इसे 2 भागों में मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। दादर नागर हवेली जो है वह 1783 में पुर्तगालियों के अधीन था और 2 अगस्त 1954 से दादर और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1954 से 61 तक इसका प्रशासनिक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नागर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा किया गया था। ठीक, वर्ष 1961 में इसे भारत के गणराज्य में समाहित किया गया। दादर नागर को 1961 में जो है केंद्र शासित के रूप और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादर नागर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात राज्य महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादर नागर हवेली से भी होकर बहती है। दमन गंगा नदी है जो दादर और नागर हवेली से होकर बहती है। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है, जबकि उस समय प्रश्नकाल में 7 था। इस समय वर्तमान में 8 है। 26 जून 2020 से दादर नागर हवेली दमन दीव में विलय कर दिया गया है।
इससे जो है आठ हो गई है। इस समय है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नागर हवेली दमन दीव। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य। तो सबसे बड़ा संघ राज्य इस समय लद्दाख हो गया है। ठीक, लद्दाख के बाद इसमें जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली दिया है, लेकिन इस समय लद्दाख है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे अंडमान है। ठीक, तो उल्लिखित प्रश्न में उल्लिखित राज्य उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली था, इस समय लद्दाख हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा? सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है, उस समय भी था, इस समय भी है। ठीक, सी ऑप्शन। भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षभाग भूभाग की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी यही है। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है, तो पुडुचेरी जो है तीन राज्यों में है, तमिलनाडु में है कराईकल पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में है यमन और जो है केरल में है माहे। तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें से जो है तमिलनाडु में है कराईकल और पुडुचेरी, यमन, आंध्र प्रदेश और माहे केरल के पास विस्तारित है। निम्न में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो है केंद्र शासित क्षेत्र दमन दीव भी है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी भी है, त्रिपुरा जो है राज्य का राज्य है, अतः ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा तीन ओर से बंगलादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादर नागर हवेली दमन दीव का विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दमन दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था, दमन और दीव के बीच खम्बात की खाड़ी था, इसकी राजधानी दमन थी, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था, ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, एक दो और तीन सही है। ठीक है, प्रश्नकाल के अनुसार दमन दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है या दो भागों में दमन दीव विभाजित है? दमन और दीव राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खम्बात की खाड़ी स्थित थी। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह को दमन का अधिग्रहण किया था और 1523 में दमन में बंदरगाह पहुँचे थे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ना कि अंग्रेजों से, अतः कथन एक गलत है, जबकि जो है कथन दो सही है। 26 जनवरी 2020 से जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। ठीक, आठवां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये दिया है, क्षेत्र दिया है और ये बताया कौन सा संघ शासित क्षेत्र है, तो ये दादर नागर हवेली का ये दिया हुआ है, जो ऊपर मानचित्र है दादर नागर हवेली का है, इसके दो ऊपरी उत्तरी द्वीपीय भाग दादर और शेष भाग नागर हवेली है। दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है, जो पहले थी अब नहीं रह गई, अब जो है दमन दीव के साथ विलय कर दिया गया, दमन राजधानी हो गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित है। 26 जनवरी 2020 से इन दोनों का दमन जो है विलय कर दिया गया था, दादर नागर हवेली और दमन दीव का। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी तो उस समय जो है दादर नागर हवेली की थी, समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर, गोवा नहीं है, गोवा 1987 तक था केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, वही दिया हुआ है इसमें कि जो है 2020 से इसका दमन कर दिया गया था। इस तो दोस्तों ये जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों से संबंधित जो आए हुए प्रश्न हैं उनके नोट्स जो दिए गए हैं घटना चक्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा प्रजाति और जनजाति का होगा। ये आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसका जो है आप लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक्स करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।